तो हेलो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे। सो गाइस, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि हम लोग इस वीडियो में इवोगन्स चैलेंज करने वाले हैं। तो चलिए मैच को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं और मेरा दोस्त यहाँ पे आ चुके हैं और हम लोग इस गेम में करने वाले हैं इवोगन्स चैलेंज। तो मैंने लॉबी को हटा दिया, क्योंकि लॉबी वगैरह रखेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो मज़ा नहीं है। डायरेक्ट मैंने गेम में आ चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं और मेरा दोस्त आ चुके हैं गेम में। तो चलिए हम लोग यहाँ से हमारी लैंडिंग स्टार्ट होगी। तो हम लोग को जाना है ऑब्जर्वेटरी पे, बट ऑब्जर्वेटरी कुछ ज़्यादा ही दूरी पे रहता है, तो हम लोग इधर ही उतर के और लॉन्च पैड लेके जाएंगे। चलिए पहले हम लोग लेते हैं लैंडिंग, मज़ेदार लैंडिंग। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, क्योंकि गाइस मुझे पता है आप सब बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो, छोटे यूट्यूबर्स को कोई सपोर्ट नहीं करता। बट कोई नहीं भाई, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके ही जाना भाई। तो यहाँ पे हम लोग का लैंडिंग होने वाला है, मतलब हो चुका है, सॉरी, हमारा लैंडिंग हो चुका है और हम लोग जाने वाले ऑब्जर्वेटरी पर। लेकिन ऑब्जर्वेटरी कुछ ज़्यादा ही दूरी पर रहती है, तो हम लोग सोचते हैं क्यों ना लॉन्च पैड वगैरह लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे और यहाँ से लॉन्च पैड लेकर डायरेक्ट पहुँचेंगे ऑब्जर्वेटरी पे और ईवो गन्स को ढूंढना स्टार्ट कर देंगे। तो थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं बरमूडा पे, यानी बरमूडा पे लैंडिंग हमारी होगी। और ये देखो गाइस, सामने टावर के पास लॉन्च पैड भी दिख जाता है मुझे। तो चलो पहले लैंडिंग कराते हैं और फटाक से लॉन्च पैड लेके चलते हैं। तो मैं लॉन्च पैड के पास जा रहा हूँ, तभी देखता हूँ तो गाइज मेरा दोस्त को गाड़ी मिल जाता है, तो वो गाड़ी से जा रहा है। मैं लॉन्च पैड लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे लॉन्च पैड को यूज कर दिया हूँ। चलो ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में होते हुए आ गया ऑब्जर्वेटरी पर। यहाँ पे हम लोग को फटाक से करना क्या है, इवो गन्स ढूंढने हैं। तो यहाँ सामने देखो भाई, क्वेंस पड़ा था तो मैंने उठा लिया, और ये लो मेरे को पैराफॉल मिला जो कि मेरे को चाहिए नहीं था। यहाँ पे मेडिकेट पड़ा है तो भाई वो तो जाहिर सी बात है। सामने देखो भाई, वेक्टर और कुछ टोकन्स पड़े हैं, बट वेक्टर भी हमें नहीं चलाना है। ये देखो टोकन्स पड़े हैं भाई, हमको चलाना है टोटली ईवो गन्स और हमें ईवो गन्स ढूंढना है कैसे भी। ये देखो क्या मिला, G36 मेरे को नहीं चाहिए था। और यहाँ पे हमको क्या क्या मिल जाता है यार, अभी भी मुझे ईवो गन्स नहीं मिला। और भाई कुछ तो मिले भाई, ईवो गन्स के सिवा हमको इस गेम में कुछ चलाना नहीं है, बस मिल रहा है उठा लेते हैं। तो यहाँ पर चलो फाइनली एक के मिल जाता है, यानी एक ईवो गन्स तो मिल ही गया उनको। अब हमें चाहिए क्या, एक और ईवो गन जो भी मिल जाए यार, SMG की UMP या MP40 को ढूंढने पड़ेगा। MP40 या UMP मिल जाएगा तो हमारा दो ईवो गन्स हो जाएगा टोटली। और शायद मेरे दोस्त को नहीं मिला है क्या, मिल गया उसे भी शायद। और भाई ओ भाई देखो भाई, MP40 भी मिल गया, क्या बात है यार। तुम्हारे भाई के पास टोटल दो ईवो गन्स हो चुके हैं, अब हमें एमो कलेक्ट करना है और कुछ लूटपाट करेंगे। और उसके बाद से एक और इधर एक पड़ा है, मेरे दोस्त को नहीं चाहिए था क्योंकि उसके पास ऑलरेडी दो ईवो गन्स है। आ जाओ भाई, जाओ ले लो ईवो गन्स ले लो। ये देखो यहाँ पे क्या पड़ा है, अरे यार तू उधर जाके लूट करना यार, ये मेरा दोस्त देखो क्या कर रहा है मेरे साथ ही साथ, और कपड़े भी सेम कर लिया है ना मेरे जैसे। ओपी, चलो इधर हमको ढूंढना है ईवो गन, नहीं ईवो गन्स तो मिल गया है, एमो वगैरह ढूंढते हैं। वैसे अपने पास लूट अच्छी खासी हो गई है खेलने के लिए, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मस्त लूट है। यहाँ पे MP40 पड़ा है, मैं अपने दोस्त को देने के लिए बुला रहा हूँ, आके ले ले भाई, ले ले तू ले ले भाई। चलो वो M10 चला रहा है देखो भाई। तो चलो हम लोग यहाँ से, सोचा मैं चलूँ कार से चलता हूँ, बट फिर जैसे कार से जाऊँ तो फिर मेरा दोस्त बोला अरे कार से नहीं चलेंगे, लॉन्च पैड से चलेंगे, वो भी ग्रेवयार्ड पे, क्योंकि ग्रेवयार्ड पे बंदे मिलते हैं। तो मैं कहा चलो ठीक है। वो देखो वो लॉन्च पैड के पास भी जा रहा है, अब मैं भी इधर से चलता हूँ। और ये देखो भाई, ये मेरे पास साइथ भी है, मैं सोच रहा हूँ साइथ को ड्रॉप कर दो क्या। चलो अभी नहीं, लॉन्च पैड के पास ड्रॉप करूँगा साइथ। आ जाओ भाई, आओ यार क्या होता है, यहाँ पर साइथ ड्रॉप करके और यहाँ से लॉन्च पैड का यूज करके हम लोग जाने वाले ऑब्जर्वेटरी पे। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो मैं बीच में स्किप भी कर दिया हूँ वीडियो को, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि बस अब बंदे मिले नहीं बीच में, तो फाइट सीन्स तो है नहीं, तो इसलिए मैंने वीडियो को स्किप कर दिया है। बीच में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने वाला, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेटरी पे जाएंगे, ऑब्जर्वेटरी पे सॉरी ग्रेवयार्ड पे, क्या बोल रहे हैं, ग्रेवयार्ड पे आने के बाद भाई ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा ही ऊपर नहीं आ गया। और यहाँ पे भी कुछ हमें लूटपाट नहीं मिला, तो हम लोग सोचे चलो भागते हैं इधर से। तो यहाँ पे जॉन भी आ रहा था, तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे भाग रहे थे, अभी मेरे दोस्त फाइट सीन और मेरा दोस्त नॉक हो जाता है, मैं उसको जैसे तैसे रिवाइव देता हूँ वॉल डाल के। नहीं इसके पास क्या है ये, चलो ये मेरा दोस्त रिवाइव हो जाता है, फिर मैं सोचता हूँ चलो भाई भागो,
हम लोग जैसे जोन से बाहर निकलते हैं यार, बंदे हमारे ऊपर टूट पड़ते हैं। देखो कहाँ से मार रहा है। ओ भाई कितना गंदा डैमेज दिया भाई। वर्ल्ड डालो। मेडिकेट मारते हैं भाई। दो दो तीन तीन बंदे हैं क्या सामने? छः बंदे अराइव में हैं। अब फिर मेरा दोस्त फिर से नॉक हो जाता है। फिर मैं वर्ल्ड डालता हूँ और फिर इसे रिवाइव देता हूँ। चलो ये फिर से रिवाइव हो जाता है और सामने मुंह पे बंदा चढ़ जाता है। मेरे पास था MP40। मैं कहा चल भाई आज साले ले ले थारा भाई। जोगिंदर तेरे को बता रहा है ये ले। ओपी का किल, एक किल आ गया। बट देखो भाई, अरे सामने से बंदा मार रहा है भाई। वर्ल्ड डाल भाई। मैं नॉक हो गया। देखो मेरा दोस्त रिवाइव दे। अगर रिवाइव दे नुबड़े जल्दी से। चलो रिवाइव हो गया भाई। मेरे पास सुपर मेडिकेट है, फटाक से सुपर मेडिकेट लगा लेता हूँ। ओपी। चलो अभी बंदे तीन बंदे हैं राइव में यार। एक बंदा और है भाई। पूजा ले लेंगे कि नहीं? इजली पूजा ले लेंगे हम लोग। लेकिन जो सामने वाला बंदा है उसको हल्के में भी नहीं ले सकते, क्योंकि भाई बंदा तो बंदा होता है। सुबह लास्ट जोन बन चुका है। बंदा है कहाँ मेरे को दिख नहीं रहा। जोन में दो दो वेंडिंग मशीन है और मे बी ये बंदा अपने टीममेट्स को रिवाइव तो ज़रूर देगा, क्योंकि भाई लास्ट जोन में आया है तो इसके पास टोकन तो होंगे ही। और कंफर्म मैं कह सकता हूँ कि ये रिवाइव देगा। ठीक है, तो चलो पहले इसको बंदे को हम लोग ढूंढते हैं सामने वाले वेंडिंग मशीन के पास चलते हैं। क्या पता यहाँ रिवाइव देने आए। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है इसलिए मैं बीच बीच में वीडियो को स्किप कर दिया हूँ। फाइट वाला सीन्स ही कुछ डाला हूँ, तो यहाँ पे भी हमने आगे भी वीडियो कुछ स्किप किया हुआ है जिसमें बंदा रिवाइव हो गया है। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ वेंडिंग मशीन पे आके पहले छुप जाता हूँ ताकि ये बंदा है, लेकिन बंदा नहीं आता है। तभी देखता हूँ कि भाई अचानक से बंदा आ जाता है और मैं यहाँ पे मारता हूँ। लेकिन मेरा दोस्त एक नंबर का किलचोर, नुबड़ा किलचोरी करता है साले। चल मैं तेरा भी किलचोर। भाई इसका टीममेट आ गया भाई। क्या ही गंदा डैमेज दिया यार। देख लो भाई फटाक से मेडिकेट, मतलब पहले मैं मेडिकेट मारता हूँ। और भाई जोन देखो कितना छोटा हो गया भाई, इतना छोटा जोन बन चुका है। और चलो जोन, चलो मैं अपने दोस्त का किल चोरी करूँगा। मेरा किल चोरी गया नुबड़े। गाइस अपने दोस्त का किल अगर मैं चोरी कर लेता हूँ तो भाई सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो चलो यहाँ फाइनली अपने दोस्त का किल चोरी करके मैंने ओपी वाला बोया ले लिया हूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।